हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 8 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर के महीने में नोबेल प्राइज़ जो होते हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज़ 2021 को डिक्लेयर किया जा रहा है। अभी तक कुल मिला के 4 नोबेल पुरस्कारों को घोषित किया गया है, 2 बचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुल 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? एक तो देखो, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, और इसी के साथ देखो मैथ नहीं होता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझ लो, और इसी के साथ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, इसी के साथ लिटरेचर और पीस के लिए। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट हुए थे, 1901 में, लेकिन सबसे बाद में शुरू हुआ था इकोनॉमिक वाला, ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं, जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं, और इसकी जो बैक हिस्ट्री है उसके बारे में आप अधिक जानते हैं तो उसको नहीं बताऊंगा, आपका समय अधिक नहीं लगना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि जो नोबेल पुरस्कार 4 घोषित हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है 2021 के लिए, वो दिया जाएगा डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को, ठीक है। दोनों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करी है, तो ये बहुत ही दुर्लभ खोज है जो इन लोगों ने की है, और इसके लिए इनको 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो बनता है, ये भी नोबेल पुरस्कार से ही है। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल राजक गुरनाह को, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राजक गुरनाह को दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कारों की घोषणा करते हुए कहा कि अब्दुल राजक गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल राजक गुरनाह ने 10 उपन्यास और कई लघु कथाएँ प्रकाशित करी हैं। उनकी लेखनी में शरणार्थियों की जो समस्याएँ हैं वो प्रधान रही हैं। अब्दुल राजक गुरनाह का जन्म 1948 में हुआ था। वो जांजीबार द्वीप पर पले बढ़े, लेकिन 1960 के दशक में एक शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड पहुंच गए। अब यहाँ पर क्योंकि वो खुद एक शरणार्थी थे तो इनकी जो कलम थी वो शरणार्थियों पर ही चलती रही। रिटायरमेंट के पहले तक वे कैंट विश्वविद्यालय कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे। तो ये भी याद रखना कि अक्सर आपने देखा होगा कि UPSC 1.5-2 साल पुराने करंट भी पूछ रहा है। अभी हाल ही में जो दो तीन परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी आपने देखा होगा। तो 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था ये किसको दिया गया था, ये भी याद रख लो, आपके काम आ सकता है। ये थी अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लूक, ठीक है, ये भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगला प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया है किसको? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा आपका। तो ये कौन है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, ये हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021 के विजेता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो दिया गया है पुरस्कार इस वर्ष, वो किसके लिए दिया गया है? असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए। ये क्या होता है? देखो, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, ये तो वेल नोन फैक्ट है, आप जानते हैं। इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। अकादमी ने यह कहा है कि 2000 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटालिसिस का विकास किया। कैटालिसिस क्या होता है? इसको हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें एक तीसरा तत्व जो उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसको बढ़ा या घटा सकता है, उसको कहते हैं कैटालिसिस। तो इसे असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस कहा जाता है, और ये छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है। तो ये भी याद रखना कि नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख रुपये दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। और स्वीडिश क्रोना, ये स्वीडन की मुद्रा है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर होगा बताओ?
सुकुरो मनाबे ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। क्लास हैसलमैन कहाँ के हैं, ये हैं जर्मनी के। और जॉर्जियो परिसी ये हैं इटली के। तो उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये भी याद रखना कि जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है 2021 का, वो तीन लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। अब यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इसी के साथ आपको ये बता दें फ्रेंड्स कि सुकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन ये क्रमशः जापान और जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पृथ्वी की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार कर दिया, जिसमें इसमें होने वाले बदलाव पर सटीकता से नज़र भी रखी जा सकती है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं पर जॉर्जियो परिसी इटली ने परमाणु से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधि को दिखाया था। और ये भी याद रखना कि पिछले साल 2020 में भौतिकी का नोबेल ये दिया गया था अमेरिकी वैज्ञानिक आंड्रिया घेज, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज और जर्मनी के रेनाल्ड गेंजेल को मिला था। तीनों को ब्लैक होल्स पर रिसर्च के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 2020 और 2021 दोनों आपको याद रखना है। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको हर फैक्ट दोबारा से पढ़ने को मिले और सारे फैक्ट आपको याद हो सकें। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो वहाँ पर जाइए, ये PDF आपको श्योर मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए सितंबर महीने की संपूर्ण करंट अफेयर की PDF आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। और ये PDF कई मायने में बहुत ही विशेष है और इसे इस प्रकार से लिखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं स्लोली स्लोली नीचे जाऊँगा, कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं उसके आंसर भी आप पढ़ पाएंगे, चित्र सहित आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि पेजेस को काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 2-liner बना दिया है। आप देख रहे होंगे कि 2 लाइन में आपको मैटर मिलेगा, एक पेज पर आपको 2 पेज दिखाई देंगे, ताकि आपको अधिक पेजेस ना लगें अगर आप इसका प्रिंटआउट लेना चाहें। और दोस्तों, कहा जाता है ना कि अगर किसी स्टूडेंट को समझना है तब उसे आप कैसे समझेंगे, उसकी कॉपी को उल्टा देखना शुरू करो। उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो कॉपी के डायरी के पिछले पन्नों पर ही आपको मिलता है। तो ये जो PDF बुक आपको मिलेगी, इसका जब आप पीछे से चेक करोगे तो ये आपको बहुत ही स्पेशल लगने वाली है, क्योंकि पूरे महीने के दौरान यहाँ पर आपको जो PDF दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर पूरे महीने के दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको एक सारणी के रूप में आपको दे दिया गया है, ताकि अगर आप पूरी पत्रिका को पढ़ नहीं पाते हैं तो लास्ट के कुछ पेजेस पढ़कर ही आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। तो एक तरीके से यह विशेषांक है और इसको आपको परचेज जरूर करना चाहिए। पहले जो हमारे 100 लोग होंगे उनको ये मैगजीन मात्र 25 रुपये में दी जाएगी, और ये बहुत ही शानदार मैगजीन है जिसे आपको परचेज जरूर करना चाहिए। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ लास्ट के पेजेज में, क्योंकि पत्रिका काफ़ी लंबी है तो कुल मिला के यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा। तो देखो, ये लास्ट का जो पेज है वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप कैसे चेक करेंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण GI टैग्स, तो GI टैग्स क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और जितनी भी GI टैग्स मिला हुआ है मतलब इस वर्ष एग्ज़ाम में, इससे अलग तो पूछा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। भारत की जो मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी, और भारत कौन सा लक्ष्य कब तक हासिल करेगा, जैसे कि किसानों की आय दूनी करने का लक्ष्य 2022 है, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। तो ये चीज़ें हैं। पुरस्कार और सम्मान जितने भी दिए गए हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, और ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सूचीबद्ध कर दी गई है। साथ ही साथ सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी जो थीम है, आप यहाँ पर देख लो रेंडमली, 21 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। डेफिनेटली यह आपके लिए बहुत ही शानदार बुक है, और फ्रेंड्स इसे आपको परचेज करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले 100 लोग ही इसे मात्र 25 रुपये में परचेज कर पाएंगे। तो नीचे जो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, पहला लिंक जो कमेंट होगा वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर 25 रुपये में ये आपको अवेलेबल हो रहा है, इसका मतलब कि अभी आप लकी कस्टमर्स में से आ रहे हैं, आपको सस्ते में ये मिल जाएगी। तो इसको आप परचेज जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए खुद के करियर पर किया गया एक शानदार इन्वेस्टमेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो अक्टूबर के महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि विश्व कपास दिवस पहली बार मनाया गया था वर्ष 2019 में, और इस वर्ष 2021 की थीम क्या है, कॉटन फॉर गुड। एक बात याद रखना कि 1 टन कपास 5 से 6 लोगों को वर्ष भर का रोजगार प्रदान
कर सकता है। तो अब बात करते हैं अक्टूबर के अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस थे। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस मनाया गया। अच्छा, ये बताओ कि काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावास दिवस, 2 दिवस थे। अच्छा, 2 अक्टूबर को तो आपको पता ही है गांधी और शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। और 5 सितंबर को होता है भारत में शिक्षक दिवस, ये तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग मिला है? अब कुट्टी अट्टूर पढ़ो या कुट्टी पट्टूर पढ़ो, कहीं कुट्टी अट्टूर लिखा रहता है, कहीं कुट्टी पट्टूर लिखा रहता है। फिलहाल ये आम है और ये आम अगर आपको खाना है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? आपको ये आम मिलेगा केरल में और ये मिर्च भी आपको मिलेगी केरल में। फिलहाल इन दोनों को GI टैग प्रदान कर दिया गया है। तो बात यहाँ पर GI टैग की हो रही है, तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में सोजत मेहंदी को भी GI टैग मिला था। सोजत मेहंदी ये कहाँ पर पैदा होती है? ये राजस्थान की मेहंदी थी। और एक स्वीट कुकुम्बर होता है, स्वीट कुकुम्बर ये कहाँ पर था? नागालैंड का था। और इसी के साथ इरूर हल्दी, सांगली हल्दी, इरूर हल्दी कहाँ पर पैदा होती है? तमिलनाडु में। सांगली महाराष्ट्र में होती है। कंधमाल उड़ीसा में होती है। शाही लीची को GI टैग मिला था, ये कहाँ पर पैदा होती है? बिहार में। तेजपुर लीची असम की है, इसको भी GI टैग मिला। और कतरनी चावल को भी मिला था GI टैग। अब देखो बात यहाँ पर चावल की हो रही है, तो अभी हाल ही में एक चावल था चिन्नौर चावल, याद आया आपको चिन्नौर चावल, इसको भी जो है चिन्नौर चावल को भी GI टैग मिला है। ये कहाँ पर मिला है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गे को भी दिया गया है। और जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है अभी हाल ही में। जुड़ीमा राइस वाइन एक मीठी शराब होती है, लेकिन कभी मत पीना। ये असम में इसको GI टैग मिला है, जुड़ीमा राइस वाइन को। इसे दिमासा समुदाय बनाता है, दिमासा समुदाय ही इसे बनाता है और लगभग इसे बनाने में 7-8 दिन लगते हैं, ठीक है। और इसी के साथ कुछ और बताऊँ आपको, तो देखो पलानी पंचमृतम प्रसाद होता है ना, तमिलनाडु में पाया जाता है, उसको भी GI टैग मिला है। और सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड की पेंटिंग होती है, इसको भी GI टैग मिला है। और मयूर गुड़ GI टैग प्राप्त कर चुका, बताओ कहाँ पर होता है मयूर गुड़? तो मयूर गुड़ जो मिलेगा आपको, ये आपको केरल में ही मिलेगा। तो बात केरल की हो रही है तो इसको भी याद रखना, ठीक है। और ये बताओ कि तिरूर सुपारी, तिरूर सुपारी को भी मिला था GI टैग, ये भी केरल की ही है, ठीक है। हाँ, सिरसी सुपारी GI टैग प्राप्त कर चुकी है, तो ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की है। चाखाओ नामक एक चावल आता है, चाखाओ, तो चाखाओ एक काला चावल होता है, तो ये जो चाखाओ चावल है ये मणिपुर का प्रोडक्ट है, जिसको GI टैग दिया गया था। और एक काला चावल महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसके साथ एड्यूर मिर्च और कुट्टी पट्टूर आम के बारे में आपको बता देते हैं कि दोनों को GI टैग मिल चुका है। और केरल अद्वितीय कृषि वस्तुओं के साथ जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसे किसानों द्वारा सहस्त्राब्दियों से पोषित किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और केरल के तिरूर वेट्टिला या पान के पत्ते को भी GI टैग दिया गया था। तिरूर वेट्टिला कहते हैं इसे, या पान का पत्ता। तिरूर वेट्टिला को तिरूर और मलप्पुरम जिले के आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता है। ताजी पत्तियों में क्लोरोफिल और प्रोटीन के उच्च स्तर के लिए पहचाना जाता है। और केरल के बारे में आप जानते ही हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। गठन हुआ था 1956 में 1 नवंबर के दिन। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सेमा पढ़ लो इसे, CEAM में सेमा के नए अध्यक्ष बन गए हैं एरिक ब्रेगेंजा। एरिक ब्रेगेंजा बन गए हैं सेमा के नए अध्यक्ष, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। ऑप्शन सी से करेक्ट होगा आपका। तो अच्छा देखो, ये जो सेमा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और एरिक ब्रेगेंजा को सेमा का जो अध्यक्ष बनाया गया है, इन्हें 2 साल के लिए बनाया गया है, 2 ईयर टर्म के लिए। और ये किसका स्थान लेंगे? कमल नंदी का स्थान लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको टू द पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका समय कम लगे, आपकी जो रुचि है बनी रहे, क्योंकि जब मैं बहुत अधिक डिटेल में जाता हूँ तब आप लोग जो है वीडियो छोड़ देते हो। तो वीडियो छोड़ा मत करो, पूरी बात आप ध्यान से देखा करो, सुना करो, समझा करो। याद रखो कि ये जो वीडियो होता है ये आपके कैरियर को बना सकता है, और आपके कैरियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन कुछ अभी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड अम्बेसडर कौन बने हैं? मीराबाई चानू। अच्छा ये बताओ कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में
कौन सा पदक जीता था बताओ? इन्होंने सिल्वर जीता था। बजरंग पुनिया ने जीता था क्या? इन्होंने ब्रोंज जीता था। दोनों को बनाया गया है अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड का एम्बेसडर, ठीक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अमृतांजन के बारे में बात करें तो 1893 में मुंबई में स्थापना होती है, लेकिन वर्तमान में हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज किस राज्य में बनेगा? अब देखो यहाँ पर न्यू पंबन ब्रिज किस राज्य बनेगा, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट। अब ये जो ब्रिज है इसको आप ऐसे समझो, देखो ये जो ब्रिज है अब इसको इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि अगर मान लो नीचे से कोई शिप जानी हो तब इसे ऊपर उठाया जा सकता है, ये फटाफट ऊपर चला जाएगा दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से जाएगा ही, और जब इस पर ट्रेन गुजरेगी तब ये नीचे आ जाएगा। और ये मार्च 2022 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये बन रहा है कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये पंबन ब्रिज है, न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। स्थापना इसकी हो रही है रामेश्वरम तमिलनाडु में। भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है ये, और इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी, 2 किलोमीटर लंबाई होगी। मार्च 2022 में इसे लोकार्पित कर दिया जाएगा। रामेश्वरम को तमिलनाडु से यह जोड़ेगा। तो बेसिकली इसकी खासियत ये है कि ये पहला ब्रिज है जो कि जब सीप यहाँ पर आएगी तो ये फटाफट ऊपर चला जाएगा, जगह बना देगा, और जब ट्रेन आएगी तो नीचे आ जाएगा फटाफट, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? अब यहाँ पर दैनिक स्वच्छता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है सैनिटरी पैड की। और ये कार्यक्रम शुरू किया गया है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है? तो सीएम रेड्डी ने स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है, कहा कि छात्राओं को मुफ्त में दी जाएंगे ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन, ठीक है? तो सरकार ने किशोरियों और युवतियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। और जब गर्मी की छुट्टियां होंगी उस दौरान भी कुल मिला के 120 पैड देने की बात यहां पर कही गई है। तो फ्रेंड्स, ये था 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। मिलेंगे आपसे 9 अक्टूबर के करंट अफेयर में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।